सतना जिले की धार्मिक नगरी चित्रकूट से फिर एक तस्वीर सामने आई है जो कि शर्मनाक है और चित्रकूट नगर पंचायत क्षेत्र में विकास के दावों की पोल खोल रही है। हालात यह है कि वार्ड नंबर 15 के थर पहाड़ के निवासी आज भी बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। सड़क न होने से 8 किलोमीटर तक पैदल ही चलना पड़ता है। बीमार वृद्ध को कंधे में लादकर मुख्य सड़क तक लाना इनकी अब मजबूरी हो चुकी है। आज भी एक प्रसव पीड़ित महिला और उसके परिजनों का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पीड़ित महिला को कपड़े की डोली बनाकर कंधे में पहाड़ से उतारा गया। हालांकि रास्ते में प्रसव हो गया, गनीमत थी कि दोनों ही सुरक्षित हैं। ये तस्वीर है चित्रकूट नगर पंचायत वार्ड क्रमांक 15 की। यहां से अक्सर इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। चित्रकूट नगर परिषद में थर पहाड़ बस्ती है, जहाँ रोड तक नहीं है। ऐसे में यहाँ के बसिंदे नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। यह वीडियो थर पहाड़ का है, जहां प्रसूता को डिलीवरी के लिए एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुई, लिहाजा परिजन महिला को मुख्य सड़क तक पहुंचाने के लिए एक कपड़े की डोली में लेकर पहाड़ी रास्ता तय किया। हालांकि महिला को रास्ते में ही प्रसव हो गया। गनीमत थी कि जच्चा और बच्चा दोनों ही सुरक्षित हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका उपचार जारी है। थर पहाड़ में करीब 400 से अधिक वोटर हैं, लेकिन सरकारी मुलाजिम भी कभी कभार ही जाते हैं और नेता भी वोट मांगने के लिए बस इसके बाद कोई पलट कर नहीं देखता। जी भाई सर, ये जानकारी तो मिली डोली में लाल उसको, जी हाँ, मूलभूत उसका निवास स्थान है, हो सकता है वहाँ पे आवाज मतलब वाहन ना जा पा रहे हो और जो कोई कारण हो, वो कारण के बारे में पता नहीं, लेकिन अस्पताल में अपने यहाँ पर 108 एम्बुलेंस के माध्यम से आई है और उनकी डिलीवरी एम्बुलेंस में ही हो गई थी, लेकिन उनको यहाँ आने के पश्चात जो ड्यूटी डॉक्टर डॉक्टर रुपेश सोनी सर के द्वारा देखा गया था और उनका प्रारंभिक उपचार किया गया और लगभग अभी जो है दोनों माँ और बेटे दोनों स्वस्थ हैं और बढ़िया हैं।